इतने जलील हो गए, इतने रुसवा हो गए कि हम जो है बांग्लादेश जैसी टीम से भी वाइट वॉश हो गए। आप इससे कप्तानी क्यों नहीं लेते हैं? शान मसूद जो है मुस्तकिल फेल हो रहा है। पाकिस्तान के जो फैंस थे वो ये दुआ कर रहे थे कि ये मैच जो है ड्रॉ हो जाए, क्योंकि भाई इज्जत बच जाएगी। 86 रन के ऊपर जो है दूसरी इनिंग के अंदर आपकी 6 विकेट गिर जाती हैं यार, ये आपकी बैटिंग। पहले पाकिस्तान टीम की जो है ना तबीयत से लगाई, पहले तो पिटाई। आपकी जो वर्ल्ड क्लास फेमस बॉलर है ना। ए गाइस अस्सलाम वालेकुम, हाजिर है नई वीडियो के साथ। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का पहला टेस्ट मैच जो कि मुल्तान के अंदर खेला जा रहा था, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे, और पाकिस्तान की जो हार है आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो यह है, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको तमाम स्पोर्ट्स की अपडेट्स हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को मिलती रहे। तो पाकिस्तान आज जो मैच हारा है उस पर बहुत ज़्यादा अफसोस है कि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल देखी जाए तो वो बिल्कुल परफॉर्मेंस ऐसी रही है कि उसने जो पाकिस्तान की बैटिंग है ना उसका बता दिया कि आपके बैटर्स के अंदर स्टेमिना कितना है, आपका प्लेयर जो है वो कितना जो है क्रीज के ऊपर खड़ा हो सकता है। तो पाकिस्तान ने पहले कोई 2 दिन खेलते हुए 500 रन बनाए, पूरी टीम ने मिलके ऑल आउट हो गई, 500 कुछ रन, 56 रन के ऊपर जो है ऑल आउट हो गई। मगर उसके बाद जो है इंग्लैंड ने जो बैटिंग करी है 2 दिन के अंदर 822 रन ऐसे कुछ रन उसने बनाए। तो आप ये देखो कि उनका प्लेयर्स रूट हो गया, हैरी ब्रुक्स हो गया, हैरी ब्रुक्स ने 300 की इनिंग खेली। उन्होंने पहले पाकिस्तान टीम की जो है ना तबीयत से लगाई, पहले तो पिटाई। आपकी जो वर्ल्ड क्लास फेमस बॉलर है ना जो कि जिनका नाम है दुनिया के अंदर, उन बॉलर्स की पिटाई लगाई। अबरार को सही से धोया, शाहीन को धोया, नसीम को धोया सही तबीयत से। ये हैं आपके बॉलर्स, ना तो आपके स्पिनर्स का पता ना ही आपके फास्टर्स का पता। भाई आप अपने ही टीम के अंदर अच्छे बॉलर क्यों नहीं खिलाते हैं? खुर्रम शहजाद था, उसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर 5 विकेट्स ली, उसने बांग्लादेश के अगेंस्ट 5 विकेट्स ली सही है। अब्बास था, कहाँ गया पता नहीं है भाई सही है, रेड बॉल के लिए जो है उसे आप रेड बॉल में खिलाते थे, कहाँ गया पता नहीं है। आगे चैंपियन ट्रॉफी आ रही है, आपके जो है वाइट बॉल के जो बॉलर्स हैं शाहीन नसीम, अगर ये इंजर्ड हो गए तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। फिर उसके बाद जो है देखी जाए बात ये है कि नसीम शाह की बॉलिंग कुछ बेहतर दिखी, मगर शाहीन की वो भी बॉलिंग नहीं थी। और उसके बाद जो हमारी बैटिंग लाइन जिस तरीके से सामने आई है खुल के, ना बाबर टिका उस विकेट्स के ऊपर, ना उसके ऊपर रिजवान टिका सही है। आखिरी में आपके कोई 86 रन के ऊपर जो है दूसरी इनिंग के अंदर आपकी 6 विकेट्स गिर जाती हैं यार, ये है आपकी बैटिंग। हम तो सोच रहे थे शायद ये मैच ड्रॉ होगा, और पाकिस्तान के जो फैंस थे वो ये दुआ कर रहे थे कि ये मैच जो है ड्रॉ हो जाए, क्योंकि भाई इज्जत बच जाएगी। मगर आपकी जो प्लेयर्स हैं उन्होंने ये कसम खा ली है कि सिवाय बेइज्जती के और कोई दूसरी चीज़ हमारे नसीब में नहीं है। मगर फिर उसके बाद जो है जो उनके जैक बॉलर थे, उनका स्पिनर बॉलर था सही है, उसने 4 विकेट्स ली 6 ओवर्स के अंदर, उसने कोई 30 रन दिए। इसे कहते हैं आपके बॉलर सीधा नहीं है कि उसने 10 ओवर भी फेंके तो उसने 100 रन दे दिए। भाई इंग्लैंड ने इस तरीके से खेला है जैसे कि वो T20 खेल रहा है, और उसने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। हैरी ब्रुक्स जो है जब वो इससे पहले आए थे पाकिस्तान, इंग्लैंड का जो टेस्ट मैच था उसमें भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। तो ये आपकी बैटिंग, ये तो सलमान अली आगा की वजह से और आमिर जमाल की वजह से आप जो है ये मैच आपका थोड़ा बहुत आगे आगे, वरना तो आप शायद 100+ रन से जो है आप हारते। अभी 47 रन एक इनिंग से आप हारे हैं, वो जो है आप उससे ज्यादा हार जाते। आपने अपनी टीम का वो हाल करा हुआ है, आप इससे कप्तानी क्यों नहीं लेते हैं? शान मसूद जो है मुस्तकिल फेल हो रहा है, उसने कोई 30 इनिंग के बाद आगे 150 रन करे थे, तो उसके बाद आप इससे कप्तानी क्यों नहीं लेते यार? आप इससे कप्तानी लो, इससे जान छुड़ाओ सही है। आपने शाहीन को भी तो आजमाया था ना, एक सीरीज दी उसे न्यूजीलैंड की, और उसके बाद आपने उसको हटा दिया, आपने क्यों नहीं उसको खिलाया? आप उसको चाहते हैं आप उसको खिलाते, आप उसको और सीरीज देते। ये मुस्तकिल छठा मैच था, आज का छठा मैच था जो कि शान मसूद की कप्तानी के अंदर हम हारे हैं। इतने जलील हो गए, इतने रुसवा हो गए कि हम जो है बांग्लादेश जैसी टीम से भी वाइट वॉश हो गए, ऐसा कभी हमने सोचा भी नहीं था। अभी दूसरा टेस्ट मैच होगा, हमारा स्क्वाड जो है वो तो अनाउंस हो चुका है, और उसके अंदर जो हमारे प्लेयर्स हैं वो यही मुस्तकिल खेलते रहेंगे। जो
जो बंदा आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर रेड बॉल की जो कायदे आजम ट्रॉफी होती है उसके अंदर परफॉर्मेंस देता है, आप उसे क्यों नहीं खिलाते? हुरेरा ने जो है 300+ स्कोर करा हुआ है डोमेस्टिक के अंदर, आप उसको चांस दो। साइम अयूब को आपने इतने सारे मौके दे चुके हो, आप उसके बगैर उसके अलावा आप किसी दूसरे बंदे को लेकर आओ। अब्दुल्ला शफीक जो है काफी इनिंग से जो है फेल हो रहा है, आप इमामुल हक को चांस दो। इससे पहले भी तो इमाम खेल रहा था ना, तो अब कहाँ चले गया वो? तो आपने जो है ना अपनी टीम को जलील और रुसवा आपने खुद कर दिया है। अब दूसरा टेस्ट मैच होगा, उसके अंदर देखते हैं कि क्या नतीजा निकलेगा, वो भी मुल्तान के अंदर ही खेला जाएगा। मुल्तान की जो पिच थी काफी खुश हो रहे थे वो, भाई पाकिस्तान ने जो है 500+ स्कोर कर दिया, इंग्लैंड ने खेल के दिखाया। इंग्लैंड ने बोला तुमने 500 करा है, हम 800 करके दिखाते हैं। वो तो अच्छा है कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है 900+ रन का श्रीलंका ने बनाया था वो नहीं टूटा, वरना तो ये वो भी तोड़ देते। मगर उन्होंने जब देखा कि पिच की जो है कंडीशंस चेंज हो रही है, अब विकेट जो है उनके हक में आता जा रहा है, तो उन्होंने जो है अपनी टीम को डिक्लेयर करा और जो है पाकिस्तान के हैंड ओवर कर दी इनिंग, कि आप जो है इस रन को उतार दो, बड़ी बात है। तो आपकी टीम ने जो है जलील करवा दिया आपको। तो मिलते हैं आप लोगों से एक और नई वीडियो के साथ, ये है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़।